नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सुख पूर्वक जीवन जी रहे होंगे। जीवन में माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र दोस्त जो होते हैं, यंग फ्रेंड्स भी बोल रहा हूं मैं इसमें, उनको अचानक से ऐसा लगने लगता है कि उनके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद है, डर लगने लगता है। बिना किसी कारण के उनको अनेक समस्याएं लगती हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई। उनको रोग लगने का भय रहता है या उनको रोग मिल जाते हैं, मेहनत के फल नहीं मिलते। घर में दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ भी बहुत सारे अच्छे व्यवहार नहीं होने के कारण मतभेद हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कोई रिलेशन में खराबी आ जाती है। धन संपत्ति का आगमन नहीं होता, कोई चीज़ लेने की इच्छा होती है रुक जाती है, कोई कंपटीशन में देते हैं, फाइनल स्टेज पे आते आते वो कंपटीशन में रुकावट आ जाती है, सोच समझ में कमी आ जाती है, भाग्य में काफ़ी रुकावट आने से जो फल है, प्रतिफल है, मिलने अभाव हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं और आज हम बात कर रहे हैं कालसर्प दोष की। और कालसर्प दोष में भी हम एक वासुकी कालसर्प दोष होता है, इसमें तृतीय भाव जिसको हम बोलते हैं पराक्रम का भाव, कम्युनिकेशन का भाव, उसमें राहु बैठ जाते हैं। और नवा भाव जिसको पिता का भाव बोलते हैं, भाग्य का भाव बोलते हैं, इसमें केतु बैठ जाते हैं। अब इस कालसर्प योग का निर्माण हो गया, वासुकी कालसर्प योग हो गया। इसको क्या दे रहा है ये, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहनों का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। इस भाव के कारण ये जो राहु और केतु बैठे हैं, भाई बहनों को कष्ट होता है, भाग्य में बाधा आ रही है, क्योंकि नवा भाव भाग्य का है। नौकरी व्यवसाय में अनेकों तरह के कष्ट आते हैं। सभी कालसर्प दोष के पहले मैं दो उपाय बताता हूँ, किसी को कोई सा भी हो तो ये जरूर करते रहें, साल में एक बार जरूर कीजिएगा। सावन के महीने में, ये इस बार सावन का महीना चल रहा है, करें तो बहुत उत्तम फल होता है, क्योंकि ये सारे दोष जो होते हैं भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। कोई भी पवित्र नदी जो आपके आसपास हो, बहती नदी हो, उसमें चांदी या तांबे के छोटे से नाग और नागिन के जोड़े को प्रवाहित कर दें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर आप जल अर्पित कीजिए और 7 बार उस पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। गरीबों में कंबल दान कर दीजिए, दरी दान कर दीजिए, या कोई वस्त्र दान कर सकते हैं। उड़द का, काली उड़द का, तेल का, तिल का दान बहुत उत्तम रहता है। दोस्तों, काल सब जो दोष होता है, इसमें वृद्धि तब हो जाती है बहुत ज्यादा, जब राहु के साथ बृहस्पति बैठ जाए और ये योग मना लेते हैं चांडाल योग, काफी परेशानी वाला होता है। राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो ये एक और योग बन जाता है, ये भी कष्टकारक योग ज्यादा होता है, इसको अंगारक योग बोलते हैं, इसमें काफी ज्यादा कष्ट आते हैं। इसी प्रकार राहु के साथ अगर शनि बैठ गए, राहु के साथ चंद्रमा बैठ गए, तब भी काफी परेशानियों वाला ये योग बन जाता है। अतः उपाय जरूर करते रहना चाहिए। इस खास योग के लिए आपने क्या करना है, पक्षियों को दाना दीजिए। सड़क के किनारे बहुत सारे इस तरह के एरिया मिलेंगे, कुछ दाना खरीद के आप पक्षियों को दाना खिलाइए। लाल धागा लीजिए और उसमें 3 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष, जो भी आपकी क्षमता के अनुरूप हो वो लीजिएगा। ये एक श्री संपूर्ण कालसर्प यंत्र है, जिसके अंदर 12 यंत्रों की शक्ति है, राहु, केतु, शनि, दुर्घटना यंत्र, महादुर्गा का यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र और श्री यंत्र, और इस तरह के बहुत शुभ यंत्र होते हैं और कठोर यंत्र भी होते हैं, जिससे कि आपके घर के अंदर जो ये दोष बन गया है मुख्य व्यक्ति के द्वारा और उसका प्रभाव आपके घर में ना आए, तो ये एक बहुत ही उत्तम यंत्र आपको रखना चाहिए। और इसकी पूर्व की दिशा या उत्तर की दिशा में इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है, और अभिमंत्रित हो तो बहुत उत्तम रहता है और लाभ ही लाभ होते हैं। दूसरा एक और उपाय बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, बहुत महंगी मालाएं नहीं आती हैं, इस तरह की रुद्राक्ष की माला धारण करें, अंदर को पहने या बाहर पहने, जैसे भी आप पहने, आपके शरीर पे इसका प्रभाव होना चाहिए, इससे भी कालसर्प दोष का काफ़ी हद तक निवारण हो जाता है। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। दोस्तों,
आप हमारा चैनल देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। कोई एक प्रश्न हो तो पीछे एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, भेजिएगा, निःशुल्क एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप पर माता रानी की पूर्ण अनुकंपा रहे।